अरे वार साहब ने कहा यूएसए से, कैन आई गेट एडमिशन इन मास्टर इन यूएसए आफ्टर एजुकॉल लेवल 6, प्लीज प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ क्रेडिट इवेल्युएशन सर्विसेज, रिकग्नाइज एजुकॉल लेवल 6 एज बैचलर इक्विवेलेंस, रिगार्ड आई लिव इन यूएसए। मैंने इसका जवाब शायद दिया भी था, मैं देख रहा आपने हूँ। ऐसे सवालों को बहुत सारा जवाब दे चुके हैं, हाँ लेकिन लोग हाँ फिर भी आपके मुंह से दोबारा हाँ सुनना चाहते हैं, चले बता दें। देखें, यूएसए के अंदर आप यूके से डिग्री करोगे ना, आप यूके में एडमिशन लोगे कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यूके से यूएसए आओगे तो मैं इवेल्यूएशन करानी पड़ेगी। इवेल्यूएशन कैसे होती है, एक फ्रेमवर्क होते हैं। आप यूएसए से डिग्री करो, स्टैनफोर्ड से की हो, तुम ऑक्सफोर्ड जाओगे, बोलेंगे जी इवेल्यूएशन करा के लाना, और रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायर करनी पड़ेगी, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो उनकी यूके नैरेक एक बॉडी है जो कि यूके ईएनआईसी उसका नाम है, जो वो करती है। इसी तरह यूएसए में अलग अलग है, WES है, मुख्तलिफ बॉडीज हैं जो करती हैं। वो सब जो बॉडीज हैं वो आपके इंटरनेशनल इक्वलेंसी का लेवल देखती है कि आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं। यूके में बैचलर्स के 120 क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन वो यूके में, सॉरी, बैचलर्स के 360 होते हैं और यूएसए में 120 होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि यार 120 है और 360 है तो मैंने 3 दफा बैचलर्स कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ भी 3 साल के बैचलर्स है, 4 साल के इंजीनियरिंग होती है, यहाँ भी 3 साल का बैचलर्स है और 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। क्रेडिट्स वही है, 360 वही है क्रेडिट्स, ठीक है ना। तो क्रेडिट्स की इक्वलेंसी सब एक दूसरे की मानते हैं। अमेरिका, यूएसए, कैनेडा, ओवरऑल G20 कंट्रीज जिसको नेटो अलायंस भी कहा जाता है, वो सब एक दूसरे की मानते हैं, ठीक है। फर्क इतना है कि अगर आपने एआई ऑप्स किया हुआ है तो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, एआई, जीआरसी, ठीक है ना, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ये नहीं कर सकते कि एआई ऑप मैंने किया है, एआई ऑप्स, और मैं मेडिसिन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वो तुम्हें नहीं मानेगी, ठीक है ना। तो वो डिग्री की फील्ड और वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, इस तरह हर जगह होता है। वो प्रोग्राम करके, एआई ऑप्स करके तुम बिजनेस में घुस सकते हो, कहीं भी घुस सकते हो, बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी सब में घुस सकते हो। लेकिन अगर तुमने मेडिसिन में नहीं जा सकते यूके यूएसए में पढ़ने के लिए, तुम्हें इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। बट वो सब एक दूसरे को मानते हैं। मैं भाई, मेरे सर्टिफिकेट पे कहीं मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इट्स नॉट माई सर्टिफिकेट, इट्स सर्टिफिकेट कमिंग फ्रॉम देम, नॉट मी।